नमस्कार दोस्तों, टेक्नोविज यूट्यूब चैनल में आविष्कार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप बेस्ट टेक फॉर यूट्यूब। दोस्तों, एक एक बार होता क्या है, आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो और उसके बाद आपके पास उतना बजट नहीं होता, आपके पास पैसे कम होते और इसके कारण आपको समझ में नहीं आता कि हम कौन कौन सी चीज़ें हम क्या क्या लें। और खास करके दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बेस्ट माइक्रोफोन्स, बेस्ट बैकग्राउंड और बेस्ट ट्राइपॉड के बारे में, क्योंकि ये तीन चीज़ें बहुत 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 महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि दोस्तों, यही तीन चीज़ें आपको आगे बढ़ाती है, क्योंकि अगर ये तीन चीज़ें अच्छी तरीके से तो आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी तरीके से होगी। दोस्तों, माइक से क्या होगा, माइक से ऑडियो क्वालिटी अच्छी आ जाएगी और ऑडियो क्वालिटी अगर अच्छी आती है तो आपके लोग वीडियो आखिर तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, बैकग्राउंड अगर अच्छा होगा कौन सा तो आपके लोग वीडियो और ज़्यादा देखेंगे, लेकिन अगर कैसा भी बैकग्राउंड है तो वीडियो आपके लोग ज़्यादा से ज़्यादा ना ही देखना पसंद करेंगे। और ट्राइपॉड की बात करें तो अगर एक एक लोग क्या करते हैं, सेल्फी स्टिक लेते और ऐसे हाथ से वीडियो बनाते और वो इतना अच्छी नहीं बनती। तो आज की वीडियो में मैं आपको बेस्ट माइक, बेस्ट ट्राइपॉड के बारे में बताऊंगा। तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने बहुत सारे माइक अमेजोन से, मैं आपको खास करके बता रहा हूँ, अमेजोन से दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उन लिंक को फॉलो करके आप उन माइक को खरीद सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला माइक है जेनेरिक माइक। दोस्तों, इस माइक की आज की डेट में प्राइस सिर्फ और सिर्फ 98 रुपीज़, और यहाँ पे लिखा है 98 रुपीज़ प्राइस और 98 रुपीज़ डिलीवर चार्जेस भी लिखा है। इस माइक का नाम है जेनेरिक। तो दोस्तों, ये माइक आपको पता ही होगा, ये माइक दोस्तों खास करके अपने मोबाइल फोन के लिए कनेक्ट होता है, पीसी के लिए नहीं है माइक, सिर्फ और सिर्फ ये माइक मोबाइल फोन के लिए कनेक्ट होता है। दोस्तों, इस माइक की खासियत है कि नॉइस बहुत कम लेती है और अपनी ऑडियो क्वालिटी अच्छी देती है। 98 यहाँ पे डिलीवरी चार्ज लिखते हैं, तो कभी कभी मतलब ये माइक आपको 200 रुपीज़ के आसपास में बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब हम आते हैं दूसरे माइक के पास। दूसरे माइक का अगर आप दोस्तों, मैं आपको अभी कहता हूँ, अगर आप दोस्तों उस माइक को एक बार खरीदते हो, बहुत महंगा है मैं आपको कहता हूँ, लेकिन अच्छा भी बहुत है। अगर आप उसको एक बार करें तो बहुत सालों साल आपका ये माइक चल पाएगा, क्योंकि उस माइक की खासियत बहुत सारी है। उस माइक की प्राइस है 16,000 रुपीज़, उस माइक की प्राइस है और उस माइक का नाम है बोया बाय बीवर। दोस्तों, बोया ये कंपनी हांगकांग की है और हांगकांग में खासकर माइक की चीज़ें बहुत ज़्यादा बनती है। दोस्तों, तो बोया का यह माइक अगर आप एक बार लेते हो, एक बार 16,000 रुपीज़ खर्च करते हो, तो आपको यह माइक सालों साल अच्छी तरीके से यूज़ करने को मिल पाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे इस माइक की हम खासियत ले तो ये माइक ऑलराउंडर है बिल्कुल। दोस्तों, आपका यह माइक पीसी के लिए कनेक्ट होगा, लैपटॉप के लिए कनेक्ट होगा और यह माइक आपके मोबाइल फ़ोन के लिए कनेक्ट होगा और आपके DSLR के लिए भी कनेक्ट होगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ, ये माइक ऑलराउंडर है, मतलब ये माइक सब आपके ऑडियो रिकॉर्डर के लिए कनेक्ट हो पाएगा, इसलिए इस माइक की कीमत ज़्यादा है। और एक और ख़ास बात है इस माइक की दोस्तों, आप साइज़ देखें, मतलब वायर साइज़ देखें तो लगभग 20 फीट की वायर साइज़ है। ये भी बहुत अच्छी बात दी गई बोया माइक की, कि आप कितने भी दूर यहाँ से 20 फीट भी में अगर चला जाओ तभी भी उसकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी तरह से आ जाएगी। तो मैंने आपको ये दो बेस्ट माइक्स बता दिए, एक था सबसे लो बजट का मैंने आपको एक माइक बता दिया और एक था बजट में एक माइक बता दिया, ज़्यादा भी महंगा मैंने नहीं बताया है, बजट में आपको बता दिए दो माइक। तो दोस्तों, अब हम आते हैं बेस्ट बैकग्राउंड के लिए। तो आप कहोगे ये बैकग्राउंड क्या है भाई, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बैकग्राउंड मतलब ग्रीन स्क्रीन है। तो ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करना बहुत यूजफुल पड़ता है, क्योंकि अगर ग्रीन स्क्रीन आप पीछे वाले बैकग्राउंड में यूज़ करोगे तो आपके वीडियोस बहुत अच्छी तरीके से रिकॉर्ड हो पाएगी, आप उससे अपना बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। तो ये ग्रीन स्क्रीन की भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, लगभग 400 रुपीज़ के आसपास वो आपको मिल जाएगा। अगर आप खरीदना चाहते तो डिस्क्रिप्शन के लिंक पे फॉलो करके खरीदें। तो बेस्ट ट्राइपॉड के बारे में दोस्तों, मैं भी एक ट्राइपॉड अच्छे से खरीदने वाला हूँ,
तो मैं भी देख रहा था कौन सा ट्राइपॉड अच्छा है, तो मैं आपको एक ट्राइपॉड बताऊंगा। दोस्तों अगर आप एक ट्राइपॉड खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही सजेस्ट करूंगा कि आपका बजट लो है तो आप दोस्तों सिंप्लेक्स 2222 ये ट्राइपॉड ज़रूर से खरीदे, क्योंकि बहुत अच्छे ट्राइपॉड सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में इसकी कीमत है 775 रुपीज़ की यहाँ पे कीमत दी गई है। अच्छी है कीमत, मतलब बजट के हिसाब से अच्छी है, सबसे कम दाम में मुझे यही अच्छा ट्राइपॉड लगा है। तो दोस्तों इस हम आप आते हैं इस ट्राइपॉड के पास, सिंप्लेक्स 222 ट्राइपॉड, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। दोस्तों इस आपको ट्राइपॉड की हाइट मिल जाएगी, मैक्सिमम यहाँ पे लिखा है 125 सेंटीमीटर, मतलब अच्छे है, लगभग लगभग 4 फीट के आसपास उसकी हाइट हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे और भी बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई है ट्राइपॉड की, और साथ ही साथ अगर आप मोबाइल से यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे एक और आपको जो मोबाइल की क्लिप होती है, होल्डर होता है, वो भी साथ में लेना पड़ता है, उसकी कीमत 200 रुपीज़ से अलग से। डिस्क्रिप्शन में मैंने दोस्तों बहुत सारे लिंक आपको दे दिए, उन लिंक को फॉलो करते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं दूसरे ट्राइपॉड के पास। तो दोस्तों मैं जो खरीदने वाला हूँ वो है ट्राइपॉड फोट्रॉन का, फोट्रॉन स्टेडी पे मैं लेने वाला हूँ, फोट्रॉन स्टेडी 400 विथ 4.5 फीट। तो ये मैं ट्राइपॉड ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करूँगा क्योंकि अच्छा है ट्राइपॉड, और इस ट्राइपॉड से दोस्तों 4.5 फीट का ट्राइपॉड है, बहुत अच्छी हाइट है, और फोट्रॉन कंपनी का बहुत ही फोट्रॉन अच्छी कंपनी है मेरे हिसाब से। तो इसकी कीमत दोस्तों आपको मिल जाएगी 1250 रुपीज की कीमत में आता है यह फोट्रॉन का ट्राइपॉड। तो इसका हम आते क्वालिटी के पास, तो फोट्रॉन बहुत ही अच्छी कंपनी है, 1250 रुपये में बहुत ही अच्छा हमें यहाँ पे फोट्रॉन का ट्राइपॉड मिल जाता है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में मैं आपको इन सारी चीज़ों बता दिया, इन सारी चीज़ों के एक एक करके अनबॉक्सिंग करने की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाके आप उन माइक ट्राइपॉड और बैकग्राउंड को चेक कर सकते हैं, अगर पसंद है तो ज़रूर से खरीदे। तो आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी, डिटेल में ना ही बता दी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है और बड़ा हो ही गया, तो मैंने डिटेल में नहीं बता दी। आप अमेजोन मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे, वहाँ से जाके आप डिटेल चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, अगर पसंद है तो लाइक करें, अगर आप एक हेटर है तो ज़रूर से डिसलाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।